तो टॉपिक है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ है क्या? स्ट्रेस का मतलब क्या है? कितनी फोर्स लगाई, कितने एरिया पे लगाई। तो जितनी ज्यादा फोर्स लगाओगे स्ट्रेस उतना ही ज्यादा लगा रहे हो, और अगर स्ट्रेस ज्यादा लगा रहे हो तो वायर उतनी ही लंबी होती जाएगी, तो स्ट्रेन उतना ही ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लंबी होगी तो स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो ये आपके पास एक इलास्टिक वायर है, एक इलास्टिक वायर है, जैसे एक रबर बैंड है, राइट? एक इलास्टिक वायर, स्टील की वायर ले लो, स्टील इलास्टिक होता है, रबर बैंड है। और मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा ताकि ये लंबी हो जाए। फोर्स अप्लाई करूंगा और इसको इलोंगेट करूंगा, लंबा करूंगा। और फोर्स अप्लाई करने का मतलब मैं इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करूंगा और इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करूंगा, और मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का। तो ये ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, इसको जब मैं खींचूंगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, सपोज करो कि मैं इसे एक एक स्टील की वायर या इलास्टिक वायर लेता हूं। एक इलास्टिक वायर को मैंने लिया और मान लो एक मिनट के लिए कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट ओ पॉइंट है, ये अनस्ट्रेच्ड है, ये लटकी हुई है। मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, मैंने खींचा इसे, और कितना खींचा, थोड़ा सा ज्यादा खींच दिया। कितना, सपोज पी तक खींचा, पी, ये पी पॉइंट आ गया, पी पॉइंट आ गया, तो ये वायर लंबी हो गई। तो हुक साइंटिस्ट ने कहा था कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर ये याद रहे, हुक्स ने कहा था ये सदा के लिए नहीं एप्लीकेबल। पता लग गया वायर को खींच खींच के तोड़ दोगे और फिर भी कहोगे स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, नहीं, ये कुछ लेंथ के लिए तो चलता है, जब वायर को खींच रहे हैं कुछ देर के लिए तो चलता है, उसके बाद ये फेल हो जाता है। उसके बाद स्ट्रेस कम है और स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, बताऊंगा क्यों। तो वो कहते हैं पी पॉइंट तक, ओ से लेके पी पॉइंट तक, क्योंकि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। तो हम क्या बोलते हैं, ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मतलब इस लिमिट तक प्रोपोर्शनैलिटी चलती है। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन चलता है, इसके बाद फेल हो जाता है। आप अगर पी पॉइंट से वायर को छोड़ दें तो आपकी वायर वापस ओ पे आ जाएगी, अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी, बिकॉज इट इज एन इलास्टिक वायर। डन हो गया यहां तक? पर आप नहीं हटे, हुक्स ने कहा था इसके बाद मेरा लॉ फेल है अगर तुम खींचोगे। आप कहते मैं और खींचूंगा, तो आपने और खींचा, और कहां तक खींचा, ई तक खींच दिया, ई तक खींचा। जब आपने पी से क्रॉस करके उसको ई तक और खींचा, तो हुक्स कहता है देखो मेरा लॉ तो फेल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा बनेगा, और इस ई का मतलब इलास्टिक लिमिट है। आपको वार्निंग इशू कर दी गई है कि अगर आपने इसको और खींचा तो इसकी इलास्टिसिटी खराब हो जाएगी, ये रबर बैंड या स्टील की वायर लूज हो जाएगी, है ना? इलास्टिसिटी खराब होती है तो वो लूज हो जाता है अगर आपने ई से ज्यादा खींचा। हाँ, अगर आपने ई पे छोड़ दिया इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वायर वापस ओ पे मिलेगी आपको। तो अगर आपने ई पे छोड़ा तो ओ पे मिलेगी। इस ई तक रीजन को क्या बोलते हैं, कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन है, ये इलास्टिक रीजन है। क्लियर है यहां तक? पर आप फिर भी नहीं हटे, वार्निंग इशू हुई, ई को क्रॉस मत करना, आपने कहा और करना है तो करो। फिर अब आप कहां पर ले आए, ए पे ले आए। अब देखो जब आप ए पे ले आए, आपने ई को क्रॉस कर दिया, तो अब जब आप ए पे छोड़ोगे इसे तो वायर ओ पे कभी नहीं आएगी। वायर कहां पे आके रुकेगी, ओ डैश पे। वायर परमानेंटली लंबी हो जाएगी क्योंकि उसमें परमानेंटली स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? क्योंकि आपने ई को क्रॉस कर दिया, उसकी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आपने खराब की, उसकी इलास्टिसिटी जब खराब हो रही है, कम हो गई, तो अब जब छोड़ोगे तो ओ पे ओरिजिनल लेंथ पे तो आएगी नहीं, वो कहां पे आएगी, वो ओ डैश पे आ जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर परमानेंट परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। तो इसके अंदर परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया। क्लियर है यहां तक? तो परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो गया इसमें, ये हम ऐसा बोल सकते हैं। तो ये देखो जब आप ए पे से छोड़ोगे तो अब ये घूमती हुई ओ पे नहीं आएगी, ये ग्राफ कहां पे आएगा, ओ डैश पे आएगा, और ये क्या है, स्ट्रेन। तो इसमें ओ डैश परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो चुका है। क्लियर है यहां तक? आप फिर भी नहीं हटे, आपने और खींचना है, और क्या खींचना है, और अगर ज्यादा हल्का सा भी खींचा फिर आपको खींचने की जरूरत नहीं है। वो वायर इतनी धागे जितनी पतली हो चुकी है कि अपने वेट से ही अब गिरी और अब गिरी। तो मतलब कि आपको इसमें हल्का सा, मतलब स्ट्रेस अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, स्ट्रेस अप्लाई नहीं करना, आपने तो छेड़ना ही नहीं वायर को, स्ट्रेस
कम अपने वेट से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसमें बहुत स्ट्रेन प्रोड्यूस होता 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 वायर ब्रेक हो जाएगी। इसको बोलते हैं फेलियर पॉइंट या ब्रेकिंग, अल्टीमेटली वायर टूट ही जाएगी। मतलब बेसिकली किया क्या आपने, वायर को खींच खींच के तोड़ दिया। तो ये वायर की जिंदगी बताई गई है स्टेजेस, जब आप इसको खींचते हो और तोड़ देते हो। तो आपको पहला पॉइंट, पहला फेज क्या मिलेगा, पी, जहां पर हुक्स लॉ एप्लीकेबल है। पी से ई हुक्स लॉ फेल है पर इलास्टिसिटी जिंदा है, अभी इलास्टिसिटी रहेगी। फिर ई को क्रॉस करोगे ए पर, ए पे फिर लूज हो जाएगी इलास्टिसिटी और परमानेंट स्ट्रेन हो जाएगा। फिर उसके बाद तो उसमें ब्रेक हो ही जाना है, आप हट ही नहीं रहे हो, तो अल्टीमेटली वो टूट जाएगी। ये आपको एक्सप्लेन करना है पेपर में जब आएगा। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी आगे पेज नंबर 9 पे और डिटेल में लिखी हुई है, तो आप यहां से इसको पढ़ लेना। सेम ग्राफ है, सेम ग्राफ है, परमानेंट स्ट्रेन है, सेम ग्राफ है। ए को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, बी को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, क्योंकि बी तक इलास्टिसिटी अभी रहेगी, इलास्टिक लिमिट है, या यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं इसे, यील्ड पॉइंट या इलास्टिक लिमिट। फिर उसके बाद सी पॉइंट के बाद इसका प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है, मतलब इसने इलास्टिसिटी लूज कर दी और अल्टीमेटली ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखेंगे कि ओ से लेके ए तक हुक्स लॉ ओबे किया जाता है, फिर ए से बी तक लिखेंगे कि इलास्टिक रीजन है, और बी पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट या यील्ड पॉइंट लिखते हैं। यहां तक वायर वापस आ सकती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर। फिर लिखेंगे सी, बी से सी तक, सी पे क्या हो जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। सी से अगर रिलीज करोगे, इलास्टिसिटी को क्रॉस कर चुके हो, और परमानेंटली वो ई पे आके रुकेगा क्योंकि वो यहां पे आ नहीं पाएगा, उसमें परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। जब परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। हो गया, परमानेंट स्ट्रेन हो गया, इलास्टिसिटी खत्म हो गई है। फिर आप और खींचोगे तो फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा और अल्टीमेटली ये टूट जाएगा। ये आपने एक्सप्लेन करना है इस पूरे ग्राफ के अंदर, अपने वर्ड में कर देना, कोई प्रॉब्लम।